हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है निमेक फिनोमेना, जिसे हम पोलन एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं इट इज द फिनोमेना ऑफ रिवर्सल ऑफ सेक्सुअल स्टेट। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हो या फिर वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो। तो ये जो फिनोमिना है जिसे हम निमेक फिनोमिना के नाम से जानते हैं, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था निमेक ने 1898 में इन द पेटेलॉइड एंथर्स ऑफ हायसिंथस ओरिएंटालिस। हायसिंथस ओरिएंटालिस के पेटेलॉइड एंथर में ये फिनोमिना निमेक ने सबसे पहले देखा था। और ये जो प्लांट है हायसिंथस ओरिएंटालिस, ये फैमिली एस्पेरेगेसी का मेंबर है। इस वक्त यहाँ पर निमेक ने क्या रिपोर्ट किया, निमेक ने देखा ये एक एबनॉर्मल फिनोमिना है, और निमेक ने ये देखा इनके पेटेलॉइड एंथर में कि इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डेवलपमेंट के दौरान एक एबनॉर्मल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल फीमेल गैमेटोफाइट के, यानी कि एम्ब्रियो सैक की तरह दिखाई देता है। तो इसी फिनोमिना को उन्होंने निमेक फिनोमिना कहा, या फिर इसे उन्होंने पोलन एम्ब्रियो सैक का भी नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वही अपने डेवलपमेंट के दौरान एक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये है निमेक फिनोमिना। अब यहाँ पर ये फिनोमिना किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि आपको जो एम्ब्रियो सैक है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है और वो कैसे बनता है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल होता है गाइनोशियम, और गाइनोशियम की सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। अगर हम बात करें जो पिस्टल है या जो कार्पल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी वाला जो रीजन होता है उसमें आपको ओव्यूल देखने को मिलता है, और ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ओव्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिप्लोइड सेल होती है। ये जो प्रोसेसेस है इनको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, बट यहाँ पर हम एक जनरल आउटलाइन को देख लेते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक डिप्लोइड सेल है। अब होता क्या है, इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके बाद यहाँ पर 4 हैप्लोइड मेगा स्पोर्स बनते हैं, और इसके बाद की जो कंडीशंस होती हैं वो आपको अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। बट जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है यहाँ पर। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें भी माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जो कि 3 बार होती है, 3 बार माइटोसिस यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर एक 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। जैसा कि आपको पता है जब एक बार माइटोसिस होती है तो 2 सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पर जब 3 बार माइटोसिस होगी तो अल्टीमेटली एक 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है, और जो कि 7 सेल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर बनता है कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है उसी में ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट एम्बेडेड रहता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो आपको ज्यादातर प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। और ये प्रोसेस जो है इसमें थोड़े से वेरिएशंस भी होते हैं, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका फॉर्मेशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके का होता है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो मेगास्पोर है, यहाँ
पर कितने मेगास्पोर इम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 4 मेगास्पोर्स में से 1 मेगास्पोर सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है इम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, तो उस इम्ब्रियो सैक को हम मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, जो कि एक नॉर्मल टाइप का इम्ब्रियो सैक है। और उसमें एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो सैक। इसके अलावा अगर जो 4 मेगास्पोर्स हैं उनमें से 2 मेगास्पोर इम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, तो उस टाइप के इम्ब्रियो सैक को हम बाईस्पोरिक इम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। और अगर चारों के चारों मेगास्पोर्स इम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, तो उसे हम टेट्रास्पोरिक इम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है, इस पर आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं अलग अलग प्लांट में, और यही स्टेप डिसाइड करता है कि जो इम्ब्रियो सैक बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। तो इम्ब्रियो सैक के जो टाइप्स है उनको भी हम डिटेल में अपने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ये आपको देखने को मिल रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ओव्यूल वाले रीजन में ये इम्ब्रियो सैक बन रहा है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये है उस इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये है एक नॉर्मल इम्ब्रियो सैक जिसे हम पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो कि इस तरीके से बनता है जब 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होती है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि 8 न्यूक्लियेट और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये किस तरीके से 8 न्यूक्लियेट और 7 सेल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देखो ये जो इम्ब्रियो सैक है ये कहाँ पर है, ये ओव्यूल वाले रीजन में है। ओव्यूल में भी जो न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है उसमें ये इम्ब्रियो सैक इम्बेडेड रहता है। इस इम्ब्रियो सैक में आपको देखने को मिलते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे 2 सिनर्जिड सेल्स जिसमें कि फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर आपको एक एग सेल दिखाई देता है। यहाँ पर जो एग सेल है और जो सिनर्जिड्स हैं उन दोनों को मिलाकर हम एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। और सेंटर में भी आपको एक सेल देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है सेंट्रल सेल, जहां पर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो सैक का। अब यहाँ पर किस तरीके से आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन देखने को मिलती है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें सेल्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की ओर आपको 3 सेल्स दिखाई दे रही है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स है, टोटल 5 सेल्स हो गए। उसके बाद एग सेल है 6, उसके बाद ये जो सेंट्रल सेल है इसको भी हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 सेल्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियस को काउंट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंटीपोडल सेल्स के 3 न्यूक्लियस यहाँ पर है, सिनर्जिड्स के 2 न्यूक्लियस, टोटल 5 हो गए, एग का 1 6, और पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियस जोड़कर टोटल आपको यहाँ पर 8 न्यूक्लियेट कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से जो एक नॉर्मल इम्ब्रियो सैक है उसमें आपको 7 सेड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हम पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है सारे प्लांट्स के केस में। हालांकि वहां पर जो इम्ब्रियो सैक का टाइप है वो वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स में, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो ज्यादातर केसेस में यही होते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर निमेक ने जब हायसिंथस ओरिएंटालिस के पेटलॉइड एंथर्स को देखा, पेटलॉइड एंथर्स में आपको पता है कि एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि पोलन ग्रेन्स अपने डेवलपमेंट के दौरान एक एबनॉर्मल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें जो न्यूक्लियाई है, जो 8 न्यूक्लियस है, वो बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से अरेंज है जैसे कि आपको फीमेल गैमेटोफाइट या इम्ब्रियो सैक के केस में जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर जो 8 न्यूक्लियाई है वो अरेंज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर वहां पर पोलन ग्रेन बना रहा होता है। अब क्योंकि इस फिनोमिना को सबसे पहले निमेक ने रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसे निमेक फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ इसे हम पोलन इम्ब्रियो सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन अपनी डेवलपमेंट के दौरान इस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि है इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे पोलन इम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फिनोमिना ऑफ रिवर्सल ऑफ सेक्सुअल स्टेट भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और यही पोलन ग्रेन अपने
डेवलपमेंट के दौरान रिवर्सल ऑफ सेक्सुअल स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि आपको नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के केस में बनता हुआ दिखाई देता है। आपको नॉर्मली वो चीज ओव्यूल के अंदर डेवलप होती हुई दिखाई देती है, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके का फिनोमेना भी देखने को मिलता है रिवर्सल ऑफ सेक्सुअल स्टेट का, क्योंकि पोलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि आपको नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। तो यहाँ पर जो अलग अलग वर्कर्स हैं उनका अलग अलग यहाँ पर मत है इस चीज को लेकर कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है ये किस तरीके से बनता होगा। तो ये जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है इसके बनने में कुछ वर्कर्स ये कहते हैं कि या तो माइक्रोस्पोर में 3 बार माइटोसिस होती होगी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनता होगा, या फिर कुछ वर्कर्स का ये कहना है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होती होगी जिस वजह से ये स्ट्रक्चर बनता होगा, और कुछ वर्कर्स ये कहते हैं कि जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें 3 बार माइटोसिस होती होगी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर, ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है, ये बनता होगा। तो यहाँ पर अलग अलग वर्कर्स के अलग अलग व्यूज हैं जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे भी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो निमेक फिनोमेना था इस पर बहुत सारे वर्कर्स ने काम किया, तो यहाँ पर हम आपके लिए पूरा एक डिटेल्ड चार्ट लेकर आए हैं जिसमें आप देख सकते हो कि किन किन साइंटिस्ट का इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया अपनी रिसर्च के दौरान। तो ये जो डेटा है ये बहुत सारी जगहों से कंपाइल किया गया है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं निमेक से। निमेक ने 1898 में इस फिनोमिना को सबसे पहले देखा था, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस फिनोमिना को उन्होंने देखा था हायसिंथस ओरिएंटालिस में, और इन्होंने ये कंक्लूड किया यहाँ पर कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक बनते होंगे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होने की वजह से बनते होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पोलन इम्ब्रियो सैक अरोज ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ द जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड 3 डिविजन ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पता है कि पोलन ग्रेन में आपको 2 सेल्स देखने को मिलते हैं डिवीजन के बाद, जो कि है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर निमेक का ये मानना था कि जेनरेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता होगा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस में ही 3 बार माइटोसिस होती होगी जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद डी मोल ने 1923 में हायसिंथस ओरिएंटालिस की ही 2 वेराइटीज पर काम किया, और इन्होंने इन वेराइटीज को कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो किया, और वहां पर भी इनको इसी तरीके के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पोलन इम्ब्रियो सैक बना होगा वो जेनरेटिव न्यूक्लियस में होने वाली माइटोसिस की वजह से बना होगा। इनका व्यू निमेक के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अलग था, और इन्होंने कहा ही एट्रीब्यूटेड द ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मैलिटी ड्यू टू द डिविजन्स ऑफ जेनरेटिव न्यूक्लियाई। इन्होंने कहा कि जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें 3 बार माइटोसिस होती होगी जिसकी वजह से एबनॉर्मल इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात आती है स्टो की। स्टो ने 1934 में इस फिनोमिना से रिलेटेड डिटेल्ड रिसर्च की, और उन्होंने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया उसको देख लेते हैं। उन्होंने बेसिकली काम किया था हायसिंथस ओरिएंटालिस की ही एक वैरायटी पर जिसका नाम था ला विक्टोर, और इसको आप कुछ बुक्स में जो स्पेलिंग है ये ला विक्टोर भी लिखी हुई है कुछ बुक्स में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हायसिंथस ओरिएंटालिस की वैरायटी ला विक्टोर यहाँ पर है, इस पर उन्होंने काम किया, और इसके बल्ब्स को उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जब इसमें मियोसिस होने वाली थी, और उसके बाद इन्होंने उन जो बल्ब थे उनको ग्रीन हाउस में ग्रो किया था। तो उन्होंने कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्लांट्स को ग्रो किया, और उसके बाद
उन्होंने जो कंडीशंस यहाँ पर देखी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो डेवलपमेंट था उसको बहुत डिटेल में देखा और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर एक इनलार्ज सैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता होगा और उसके बाद क्या होता होगा, जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का उसमें 3 बार माइटोसिस होती होगी जिसकी वजह से एक 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता होगा। तो स्टो का ये मानना था कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल या जेनरेटिव सेल का कोई रोल नहीं है इस एबनॉर्मल इम्ब्रियो सैट के फॉर्मेशन में, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ही यहाँ पर 3 बार माइटोसिस कर 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता होगा। और स्टो ने ये बात भी कही कि जब पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल बन जाता होगा उसके बाद की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस नॉर्मल होती होंगी। ये जो स्टेप है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनने का, ये माइक्रोस्पोर से ही शुरू होता होगा और माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में ही 3 बार माइटोसिस हो जाती होगी जिसकी वजह से एबनॉर्मल 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता होगा। अब यहाँ पर जो स्टो थे उन्होंने एक चीज और नोटिस करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जो एग्जाइम की लेयर्स है वो रप्चर हो जाती है और जब बाद में 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैट लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो माइक्रोस्पोर का एक एंड ऐसा भी था जहां पर उनको इंटैक्ट एग्जाइम देखने को मिल रही थी और इसके साथ साथ वहां पर उस एंड पर जो सेल्स मौजूद थे वो थोड़ी ज्यादा देर तक सरवाइव कर रहे थे और थोड़े बड़े भी थे। तो इसलिए स्टो का ये मानना था कि ये वाला एंड जहां पर इंटैक्ट एग्जाइम देखने को मिल रही है और यहां पर जो ये 3 सेल्स मौजूद है इनको उन्होंने माना कि ये सिनर्जिड सेल और एग सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके अपोजिट पोल पर 3 सेल्स थे उनको इन्होंने कहा कि ये एंटीपोडल सेल्स होंगे और सेंटर में उनको 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था और उन्होंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कही कि माइक्रोस्पोर का वो वाला पोर्शन जहाँ पर इंटैक्ट एग्जाइन है वो वाले पोर्शन पर एग एपरेटस प्रेजेंट हो सकता है, उस वाले पोर्शन पर जो सेल्स हैं वो एग एपरेटस की तरह कंसिडर किए जा सकते हैं। ये चीज स्टो ने उस वक्त कही थी। अब इसके साथ साथ स्टो को और क्या क्या चीजें देखने को मिली, ये स्ट्रक्चर तो उनको देखने को मिल ही रहा था 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ उनको बहुत सारे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले, जैसे कि उनको कहीं कहीं पर 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिली जहां पर 1 एग सेल प्रेजेंट था, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे और 5 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थे, बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन थी ये। कहीं कहीं पर उनको 4 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिली जहां पर 1 एग प्रेजेंट था, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और 1 एंटीपोडल सेल था। कहीं कहीं पर उनको 4 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिली जहां पर 1 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स थे। कहीं कहीं पर उनको 16 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिली थी जिसमें उनको 5 से 10 सेल एग एपरेटस, 1 से 2 पोलर न्यूक्लियाई और कुछ एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल रहे थे और इसके साथ साथ उनको कहीं कहीं पर 16 न्यूक्लिएट कंडीशन से भी ज्यादा सेल्स की कंडीशन, ज्यादा न्यूक्लियस की कंडीशन देखने को मिली जिसमें कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। तो इतनी सारी एबनॉर्मैलिटीज स्टोन ने रिपोर्ट की। तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 न्यूक्लिएट कंडीशन ही उनको देखने को मिली, उनको बहुत सारी एबनॉर्मल चीजें, बहुत सारे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टो ने एक चीज और देखी, इन्होंने देखा कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है ये जहाँ पर बन रहे हैं वहां पर बहुत सारे डेड पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने ये चीज कंक्लूड की कि ये जो डेड पोलन ग्रेन्स है ये एक तरीके का केमिकल सेक्रेट करते होंगे जिसको इन्होंने कहा है नेक्रो हार्मोन। तो ये जो नेक्रो हार्मोन है इनका मानना था कि डेड पोलन ग्रेन्स के द्वारा सेक्रेट किए गए नेक्रो हार्मोन की वजह से जो बचे हुए पोलन ग्रेन्स है उनमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती होगी और वो पोलन इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर लेते होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्टो ने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि पोलन ग्रेन के द्वारा सेक्रेट किए गए नेक्रो हार्मोन की वजह से पोलन इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता होगा। इसके साथ साथ स्टो ने एक चीज और यहाँ पर की है, इन्होंने क्या
क्या किया, इन्होंने अगर मीडियम पर पोलन इंडियो सैक को रखा और उसके साथ साथ वहां पर इन्होंने पोलन ग्रेन्स को, नॉर्मल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको डाल दिया। अब इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो पोलन ग्रेन्स थे वो जर्मिनेट कर पोलन ट्यूब बना रहे थे जो कि इस पोलन इंब्रियो सैक के चारों ओर क्वाइल हो जाता था। एक जगह पर उन्होंने ये भी देखा कि जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब से इस इंब्रियो सैक के अंदर जाने की प्रोसेस में था, और एक जगह पर उन्होंने ये भी देखा कि जो पोलन इंब्रियो सैक है उसमें 16 न्यूक्लिएटेड कंडीशन उनको देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर जो 16 न्यूक्लियाई स्टो को देखने को मिल रहे थे उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई से हुआ होगा जिसकी वजह से 16 न्यूक्लियाई बने होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर कहीं पर भी मेल गैमेट और एग का फ्यूजन होते हुए नहीं दिखाई दिया और ना ही उनको इम्ब्रियो फॉर्मेशन दिखाई दिया। तो इसी वजह से उन्होंने अपने आर्टिकल में एंड में कंक्लूड किया है कि इस पोलर इम्ब्रियो सैक को हम ट्रू इम्ब्रियो सैक की तरह नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एग है और जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता हुआ उन्हें नहीं दिखाई दिया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पोलन इंब्रियो सैक में कुछ हद तक फीमेल टेंडेंसीज मौजूद है। तो उन्होंने ये चीज कही है कि ये जो पोलन इंब्रियो सैक है इसमें कुछ हद तक फीमेल टेंडेंसीज जरूर मौजूद होंगी, तभी यहाँ पर 16 न्यूक्लियाई देखने को मिले और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंब्रियो सैक लाइक अरेंजमेंट भी देखने को मिला। इसके साथ साथ एंड में स्टो ने अपने आर्टिकल में एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है दैट ऑल द पोलन ग्रेन्स आर पोटेंशियली कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ईदर द मेल और द फीमेल फॉर्म। जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं उनमें ये कैपेसिटी है कि वो मेल फॉर्म या फीमेल फॉर्म को एज्यूम कर सकती हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मल कंडीशंस में मेल पोटेंसी इज डोमिनेंट ओवर द फीमेल पोटेंसी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस दैट अल्टीमेटली गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स। जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो मेल पोटेंसी डोमिनेंट होती है ओवर द फीमेल पोटेंसी जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है उसमें माइटोसिस होती है, उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनता है और जनरेटिव न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस होती है और दो मेल गैमेट्स बनते हैं। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारे जो डेड पोलन ग्रेन्स है वो नेक्रो हार्मोन सेक्रेट करते होंगे और उसके साथ साथ सुइटेबल टेम्परेचर की वजह से जो फीमेल पोटेंसी है वो डोमिनेंट हो जाती होगी मेल पोटेंसी के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है या जो माइक्रोस्पोर है उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होते होंगे और अल्टीमेटली एक पोलन इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन वहां पर होता होगा। तो ये व्यू था स्टो का जो उन्होंने अपने आर्टिकल में दिया था। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नैथनी ने 1937 में इन्होंने भी हायसिंथस ओरिएंटालिस की ही वैरायटी पर काम किया था जिसका नाम था येलो हैमर। हायसिंथस ओरिएंटालिस की वैरायटी पर काम किया था और जिसका नाम है येलो हैमर। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इस वैरायटी पर भी इन्होंने कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में इस वैरायटी को ग्रो किया था और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एग्री किया है स्टो के ऑब्जर्वेशन के साथ कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है उसी में 3 बार माइटोसिस होती है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल पोलन इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट पर डिसएग्री किया है स्टो के साथ। इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक बनता होगा ये नेक्रो हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से नहीं बल्कि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो वेरिएशंस है जो एबनॉर्मल इम्ब्रियो सैक है वो बनता होगा। तो यहाँ पर नैथनी का ये व्यू था कि ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन इम्ब्रियो सैक एंड इट इज नॉट द नेक्रो हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो ये एक पॉइंट इन्होंने दिया। इसके साथ साथ नैथनी ने यहाँ पर डेड पोलन ग्रेन्स पर भी अपना व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि जो डेड पोलन ग्रेन्स हैं वो इसलिए पाए जाते होंगे क्योंकि जो पोलन इम्ब्रियो सैक है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेकर बहुत बड़े साइज के हो जाते होंगे जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो बाकी के पोलन ग्रेन्स को नहीं मिल पाता होगा और उनकी डेथ हो जाती होगी। तो यहाँ पर जो नैथनी है उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि पोलन ग्रेन यहाँ पर डेड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि बाकी के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं पोलन इम्ब्रियो सैक बनाने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गिटलर 1941 और इन्होंने एक अलग प्लांट में पोलन इम्ब्रियो सैक की कंडीशन को देखा जो कि है ऑर्निथोगैलम म्यूटेंस। ऑर्निथोगैलम म्यूटेंस में इन्होंने ये कंडीशन देखी और यहाँ पर इन्होंने 8 न्यूक्लिएट के साथ साथ 16 न्यूक्लिएट कंडीशन भी किसी किसी इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर में देखी है। तो यहाँ पर जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर देखा इन्होंने, जो 8 न्यूक्लिएट पोलन इम्ब्रियो सैक इन्होंने देखा, वहां पर इन्होंने क्या चीज बताई है, इन्होंने कहा कि ये जो माइक्रोस्पोर, यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कही कि जो माइक्रोस्पोर है उसमें ही 3 बार जो माइटोसिस है वो होती होगी, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा जिसको पोलन इम्ब्रियो सैक कहा जा सकता है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज कही कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है या ये जो एबनॉर्मल इम्ब्रियो सैक है, इसमें जो एग्जाइन वाला पोर्शन है, जहां पर जिस पोर्शन पर एग्जाइन इंटैक्ट है, उस पोर्शन पर जो 3 सेल्स हैं उनको इन्होंने एंटीपोडल सेल रेफर किया है। ध्यान रखिएगा, जो इंटैक्ट एग्जाइन वाला पोर्शन है वहां पर जो 3 सेल्स हैं उनको इन्होंने एंटीपोडल सेल रेफर किया है और इसके अपोजिट पोल पर जो सेल है उसको इन्होंने सिनर्जिड सेल और एग सेल रेफर किया है और सेंटर में इनको भी 2 न्यूक्लियाई देखने को मिले फ्यूज्ड कंडीशन में। तो यहाँ पर गिटलर का व्यू स्टो के व्यू से जस्ट अपोजिट था। स्टो ने कहा कि जो इंटैक्ट एग्जाइन वाला पोर्शन है उस पोर्शन पर जो 3 सेल है उनको एग और सिनर्जिड एज्यूम किया जा सकता है, लेकिन गिटलर का यहाँ पर व्यू ये था कि जिस पोर्शन पर एग्जाइन इंटैक्ट है वहां पर जो 3 सेल्स हैं उनको एंटीपोडल सेल एज्यूम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों के व्यूज में इस जगह पर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है विजय राघवन एंड रत्ना पारखी का आर्टिकल जो कि 1977 में आया था और इसका नाम था, इसका टाइटल था पोलन इम्ब्रियो सैक्स इन ह्यूकेरा माइक्रेंथा। यहाँ पर इन्होंने ह्यूकेरा माइक्रेंथा नाम के प्लांट में ये पोलन इम्ब्रियो सैक की कंडीशन देखी थी और ये जो मेंबर है ये फैमिली सेक्सिफ्रिगेसी का मेंबर है। फैमिली सेक्सिफ्रिगेसी में पहली बार पोलन इम्ब्रियो सैक की कंडीशन यहाँ पर ह्यूकेरा माइक्रेंथा में देखी गई थी, जो कि रिपोर्ट की थी विजय राघवन एंड रत्ना पारखी ने 1977 में। अब यहाँ पर जो इनका रिसर्च आर्टिकल है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, बट यहाँ पर जो उनके आर्टिकल के मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल की शुरुआत में ही एक पॉइंट दिया है कि द निमेक फिनोमेना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द फीमेल पोटेंसी ओवर द मेल इन द माइक्रोस्पोर। उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है उसमें फीमेल पोटेंसी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से निमेक फिनोमेना का एक्सप्रेशन होता है, जैसा कि बाकी लोग भी यहाँ पर ये चीज कहते आ रहे हैं, जैसा कि स्टो ने भी ये चीज कही थी। इसके साथ साथ इन्होंने ह्यूकेरा माइक्रेंथा में क्या क्या चीजें देखी, ह्यूकेरा माइक्रेंथा में इन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस नोटिस करे, बहुत डिटेल में उन्होंने उस वेरिएशंस को मेंशन भी कर रखा है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि जो ह्यूकेरा माइक्रेंथा है उसमें जो टेट्राड माइक्रोस्पोर वाली कंडीशन है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसमें भी कई वेरिएशंस उनको देखने को मिलते थे, जैसे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में एक माइक्रोस्पोर बहुत बड़ा हो गया, किसी माइक्रोस्पोर में उनको मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिल रही है, किसी किसी टेट्राड में उनको ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक माइक्रोस्पोर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में है और उस टेट्राड के 2 माइक्रोस्पोर डीजेनरेट हो गए हैं। तो उनको टेट्राड स्टेज में ही बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। इसके बाद जब टेट्राड सेपरेट होता है, माइक्रोस्पोर सेपरेट होता है, उसमें भी उनको कई वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। कहीं कहीं पर उनको 8 न्यूक्लिएट पोलन इम्ब्रियो सैक लाइक कंडीशन देखने को मिल रही थी, कहीं कहीं पर उनको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे, जो कि उन्होंने बहुत डिटेल में अपने रिसर्च आर्टिकल में मेंशन कर रखे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई बातें अपने आर्टिकल में कही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते होंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पर विजय राघवन जी ने ये कहा कि जैसे कि स्टो, नेथानी और गेटलर ने ये चीज कही कि माइक्रोस्पोर से ही पोलन इम्ब्रियो सैक बनता होगा, उस चीज को इन्होंने यहाँ पर अपने रिसर्च आर्टिकल में एग्री किया है और कहा है कि यहाँ पर ह्यूकेरा माइक्रेंथा के केस में भी उनको यही चीज देखने को मिली कि जो माइक्रोस्पोर है उससे पोलन इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता हुआ उनको यहाँ पर दिखाई देता है। उन्होंने ये भी चीज मेंशन करी है कि उनको वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर जेनरेटिव न्यूक्लियस से पोलन इम्ब्रियो सैक बनता हुआ ह्यूकेरा माइक्रेंथा
के केस में नहीं दिखाई देता है, ये पॉइंट भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो इम्ब्रियो सैक बनता है, पोलन इम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, इन्होंने कहा कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये इनलार्ज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है 3 बार, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं और वो न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। उसके बाद उस पूरे स्ट्रक्चर को हम पोलन इम्ब्रियो सैक कहते हैं। यहाँ पर जो इम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट है, इनको 3 या 4 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट भी देखने को मिले। इनको लगभग देखने को मिले हैं पॉलीगोनम टाइप का अरेंजमेंट, एरियम टाइप का अरेंजमेंट और एडॉक्सा टाइप का अरेंजमेंट भी इनको पोलन इम्ब्रियो सैक के केस में देखने को मिला है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने और पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कि ये जो इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये एग्जाइन से इनक्लोज्ड है। कुछ केसेस में इनको इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर एग्जाइन से इनक्लोज्ड दिखाई दिया है और कुछ केसेस में इनको ये जो इम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर रप्चर्ड एग्जाइन भी देखने को मिली है। और इनका ये व्यू था कि यहाँ पर ये जो एग्जाइन है ये इसलिए रप्चर होती है क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बड़े साइज का हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग्जाइन है वो रप्चर हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर इस टाइप का कोई भी व्यू नहीं दिया है कि जिस पोर्शन पर इंटैक्ट एग्जाइन है वहां पर कौन से सेल्स होंगे, ये पॉइंट इन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन नहीं किया। और इसके साथ साथ जहां पर पोलन इम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है वहां पर इन्होंने टेपटम की सेल्स को भी देखा है, वहां पर इंटैक्ट टेपटम इनको देखने को मिल रहा था। तो इनका ये व्यू भी था कि हो सकता है जो डेड पोलन ग्रेन्स है और जो इंटैक्ट टेपटम है उसका एक पर्टिकुलर रोल होता हो इस पोलन इम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। हालांकि इन्होंने ये भी चीज कही कि ये जो डेड पोलन ग्रेन्स है ये क्या रोल प्ले करते हैं और ये डेड क्यों हो रहे हैं, इसका उन्होंने क्लियर रीजन वहां पर नहीं दे रखा है। बट इन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि हो सकता है डेड पोलन ग्रेन्स और जो हमारा टेपटम है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो इस पोलन इम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। सो एंड में विजय राघवन जी ने अपने आर्टिकल में ये कंक्लूड किया है कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है या ये जो निमेक फिनोमेना है ये एक इंटरेस्टिंग एबनॉर्मेलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो पोलन इम्ब्रियो सैक है ये ट्रू इम्ब्रियो सैक की तरह फंक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो प्लांट है उनमें सेक्स रिवर्सल पॉसिबल है क्योंकि आप जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनमें चेंजेस लाकर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि फोटो पीरियोडिसिटी है, न्यूट्रिशन है, लाइट इंटेंसिटी है, मॉइस्चर है, न्यूट्रिशन है, इतने सारे फैक्टर्स पर चेंजेस लाकर जो कंडीशंस है उनको चेंज किया जा सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर विजय राघवन जी ने ये भी कहा है कि ये सब चीजें ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो कि इस इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं नॉर्मल डेवलपमेंट को। जब इन फैक्टर्स में या जब इन मैकेनिज्म में थोड़े से चेंजेस आते हैं या ये डिले होते हैं या ये ब्लॉक होते हैं तो आपको एबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि पोलन इम्ब्रियो सैक है या इम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन है, कैलस का फॉर्मेशन है। ये सब चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है और उनमें होने वाले चेंजेस की वजह से ही आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो पोलन इम्ब्रियो है ये किस तरीके से बनता है, इसका मेन रीजन क्या है, बट इस पे अभी भी ये सब चीजें चल रही है। तो ये मेन व्यूज थे यहाँ पर, आप देख सकते हो निमेक फिनोमिना से रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।